नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर गुड मॉर्निंग बोलते हुए मॉर्निंग ग्लोरी के फूलों के साथ। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। और दोस्तों कई दिन से मैं वीडियो बना भी नहीं रही थी, वो क्यों नहीं बना रही थी क्योंकि ज़्यादातर कमेंट ना उन्हीं टॉपिक पे आ रहे थे जिन पे कि मैंने वीडियो बना रखी है ऑलरेडी। तो एक बार देख लिया करो भाई, हर बार ना एक ही टॉपिक को पकड़ पकड़ के वीडियो बनाऊंगी ना मैं, तो फिर आप ही कहोगे कि अरे ये तो रोज एक ही प्लांट को पकड़ के वीडियो बना देते हैं, ठीक है ना। एक बार चैनल पे जाके वीडियोज में जाके देख लिया करो। लेकिन दोस्तों आज जो मैं आपको बातें बताऊंगी ना वो सभी प्लांट्स के लिए ज़रूरी होंगी, और कुछ ऐसी बातें कि आप तो मुँह से निकल जाएं जो बहुत बेनिफिशियल हो आपके लिए और शायद मैंने पहले कभी ना बताई हो। तो इसलिए वीडियो को ना एंड तक देखा करो, क्योंकि दोस्तों हम कोई स्क्रिप्ट लिख के तो वीडियो बनाते नहीं है कि स्टार्टिंग में अच्छी बात बोलनी है और एंड तक ऐसे खींचना है टॉपिक को। तो जैसे जैसे दिमाग में अच्छी अच्छी बातें आती जाती हैं, चाहे वो छोटे प्लांटर्स के बारे में हो, बड़ों के बारे में हो, है ना, गमलों के बारे में हो अपने, या पौधों के रख रखाव के बारे में हो, या किसी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के बारे में हो जो बड़े आराम से आपको घर पे अवेलेबल हो जाता है, तो सारी की सारी बातें आज वही शेयर करेंगे। और ये देखो दोस्तों, अगर आप प्लांट को ना अच्छी तरह से लगाते हो, उसकी सोइल मिक्सचर बहुत अच्छे से तैयार करते हो, जो कि मैं बार बार बोलती हूँ, थोड़ा सा ना आपने एक बार बस पौधा लगाते वक्त ध्यान देना होता है कि इस वाले पौधे को मिट्टी कैसी पसंद है। बस इस बात का अगर आपने ध्यान दे दिया ना, 80% काम आपका हो जाता है, क्योंकि फिर आपने ऐसा मीडियम तैयार करके उस अपने पौधे को लगाया है, फिर मुझे नहीं लगता कि कोई छेड़ खाने की जरूरत होगी। हाँ, जब कभी ऑर्गेनिक हमारे पास खाद वाद होगी वो बीच बीच में डाल दिया करेंगे अपना, ठीक है ना, जैसे कि मैं करती हूँ। और दोस्तों पौधों को लगाना ना सिर्फ उनकी साइंस को समझने जैसा है, क्योंकि हर चीज़ ना अपनी साइंस पे चल रही है, है ना। और हम सब भी जैसे अलग अलग हैं बिल्कुल, किसी को कुछ पसंद है, किसी को बहुत सिंपल खाना पसंद है, किसी को स्पाइसी पसंद है, किसी को ऑयली, किसी को बाहर का स्ट्रीट फूड, है ना। हम सब भी तो आपस में अलग अलग हैं, ऐसे ही ये पौधे हैं दोस्तों। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, ये भी बिल्कुल हम जैसे ही हैं, बिल्कुल छोटे बच्चों के जैसे ही हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, किसी को दूध पीना ज़्यादा पसंद होता है, किसी को आलू खाना पसंद होता है, किसी को केला खाना पसंद होता है ना, और कोई दही बहुत खाता है, है ना। तो इसी तरीके से ये छोटे छोटे से या बड़े बड़े से प्लांट्स हमारे बच्चों जैसे हैं, और बिल्कुल इनकी भी रिक्वायरमेंट बिल्कुल ऐसी ही है जैसी कि हमारी है। तो सबसे पहले आते हैं दोस्तों इन छोटे छोटे प्लांटर्स में जो कि डेकोरेटिव होते हैं हमारे, या खुद से भी बनाते हैं हम, या बाजार से भी सेरेमिक के ले आते हैं। तो सबसे पहले ना आपने इनको ये देखना होता है कि आपने इसको लगाना कैसी सोइल में है। तो जब भी दोस्तों आप सेरेमिक के पॉट में प्लांट लगाते हो, या तो आपका बड़ा पॉट है तो आप सीधा गमला ही रख दो, मैं तो ये कहती हूँ, ठीक है ना। उससे क्या होता है, एक गमले के आसपास ना आपके मिट्टी के गमले के एक एनवायरनमेंट सा तैयार हो जाता है, ह्यूमिड से वाला, जैसे रेन फॉरेस्ट वगैरह में नहीं होता ज्यादा प्लांट उगते हैं, वैसे वाला हो जाता है तैयार। तो उसमें क्या होता है, पौधे बड़े आराम से उगते हैं। और नहीं तो ऐसे जैसे मैंने लगा रखा है मिट्टी डाल के ही, ऐसे भी आप लगा सकते हो, क्योंकि इसमें कोई गमला नहीं सकता है, छोटा सा है बिल्कुल, ठीक है ना। अगर आपके पास बहुत छोटा सा सेरेमिक का है तब तो देखो उसमें आपने एक मिक्स बनाना होगा। और वो कैसे बनाना है, क्योंकि दोस्तों जब भी हम छोटे छोटे गमलों में कोई भी प्लांटर लगाते हैं तो हमेशा हम ऐसे ही लगाते हैं जिसकी जड़ें कोई ज़्यादा गहरी नहीं होती, है ना। हल्के फुल्के से पौधे, सुकुलेंट्स लगा लिए, कैक्टस लगा दिए, या इस तरह के प्लांट्स लगा लिए जिनकी की रूट ज़्यादा गहरी नहीं जाती, जो बाहर की तरफ ज़्यादा फैलते हैं, जैसे कि बेबी सन रोज हो गया, है ना, ये रोइयों का ही प्लांट ले लो, ये हो गया आपके मनी प्लांट्स हो गए, इनकी रूट भी कोई ज़्यादा इतनी नहीं फैलती, है ना। तो इस तरह के प्लांट हम लगाते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि हमें एक ऐसा मीडियम तैयार करना होता है जो कि बहुत ज़्यादा ड्रेनेज वाला भी ना हो, और ऐसा भी ना हो कि उसमें पानी रुक जाए। तो एक मॉइस्ट सा जो मीडियम है ना वो तैयार करते हैं। वो कैसे बनता है हमारा, वो बनता है दोस्तों हमारा कोकोपीट से। और अब कुछ लोग कहें हमारे पास तो कोकोपीट नहीं है, हम कहाँ से लाएं। तो दोस्तों कोकोपीट नहीं आपके पास बिल्कुल कोई बात नहीं, तो जो घर में चाय पत्ती होती है ना आप उसको रोज धो धो के सुखा लिया करो धूप में, उससे भी आपकी कितनी बढ़िया कंपोस्ट तैयार होती है। और उसमें भी दोस्तों वाटर को रिटेन करने की जो कैपेसिटी होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, बिल्कुल कोकोपीट जैसी होती है। वो देखते हो ना बहुत देर तक गिल्ली सी रहती है पत्ती, है ना, तो उसको आप एक दो दिन धूप में सुखाओ और उसको एक डब्बे में डाल के रख लो। और जब भी आप छोटा प्लांटर बनाओ या कोई भी गमला बनाओ डेकोरेशन के लिए तो उसमें आप उसका यूज कर दो। और नहीं तो दोस्तों कंपोस्ट आप घर पे बना सकते हो, लीव्स की कंपोस्ट बना सकते हो,
है ना। और उसके साथ साथ दोस्तों जो नीम की पत्तियां होती हैं या चूल्हे की राख होती है उसको भी आप यूज कर सकते हो छोटे गमलों के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें जो होता है फॉस्फोरस बहुत ज्यादा होता है और भी बहुत सारी चीजें होती है उसमें, मतलब ये समझ लो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना वो बहुत सारे होते हैं उसमें। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि जब आप कहते हो ना कि छोटे गमलों को हम विंडो में रखते हैं तो मच्छर मक्खी आ जाते हैं या मच्छर अट्रैक्ट होते हैं, उससे क्या होगा, मच्छर मक्खी भी नहीं आएंगे। क्योंकि जो हम ये एशिज वाली कंपोस्ट लेते हैं ना तो उससे क्या होता है कि नेचुरली ये चीजें दूर रहती हैं। और अगर नीम के पत्तों के ले लोगे तो भाई एक बढ़िया से इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का भी काम करेगा, आपके पौधों को भी किसी तरह के फंगल इन्फेक्शन से बचाएगा वो। और तीसरा दोस्तों किसी भी तरह की एक जो सोयल में से अंदर प्लांट रखते हैं स्मेल सी आती है ना वो भी नहीं आएगी, तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। क्योंकि कई बार मेरे गार्डन में नीम के पत्ते इकट्ठे होते थे तब मैं उनको जला के भी डाल देती हूँ। और कई बार दोस्तों जैसे गुलाब में कीड़ा वीड़ा लग जाता है किसी भी पौधे में या गमले में तो मैं इस तरह से हल्की सी गुड़ाई करके भी प्लांट में डाल देती हूँ। और जहां मुझे लगे कीड़ा लग सा रहा है पत्तों पे लग रहा है तो उसको छिड़क के छोड़ देती हूँ एक दो दिन के लिए। पहले पानी दे दूंगी अच्छे से उसमें और फिर दोस्तों मैं शाम को उसको छिड़क के छोड़ दूंगी ताकि मुझे एक दो दिन पानी ना देना पड़े और इस राख का जो असर है वो अपने पौधे पे बड़ी देर तक हो जाए। अब आते हैं दोस्तों एक और बढ़िया फर्टिलाइजर होता है कि जब आपको लगे कि आपके नए नए पत्ते पीले पड़ रहे हैं या मतलब खिले खिले से नहीं है, जो नई ग्रोथ आ रही है पत्तों की वो इतनी सुंदर नहीं आ रही, तो उसके लिए क्या करते हैं आप कि बनाना पील का फर्टिलाइजर बना सकते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मैम यहाँ कीड़े आ जाते हैं मच्छर वगैरह आ जाते हैं, तो उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो कि जो हमारी माचिस की तिल्ली होती है ना या तो डायरेक्टली उनको ही गाड़ दो जहां से जलाने वाला हिस्सा होता है, ठीक है। और अगर वो नहीं गाड़ना आपके डेकोरेटिव प्लांटर है वो गंदे लगेंगे अगर लगाने से, तो आप क्या करो रात को उन माचिस की तिलियों को पानी में भिगो के रख दो और अगले दिन वो पानी अपने इंडोर प्लांट्स में भी दे सकते हो और आउटडोर भी आपने डेकोरेशन के लिए रखे हैं तो भी आप उसमें दे सकते हो, है ना, अच्छी बात। और तीसरा दोस्तों क्या होता है कि जब भी हम नर्सरी से पौधा लाते हैं ना तो हम क्या करते हैं, बस मैं बहुत लोगों को देखती हूँ क्या करेंगे, एक सिंपल सी मट्टी कहीं से भर लेंगे इधर उधर से है या और पहले से उनके गमले में होगी पुरानी दुरानी सी मिट्टी जो बिल्कुल डेड हो चुकी होगी। डेड का मतलब ये होता है दोस्तों कि उसमें इतनी जान नहीं होती कि आपके पौधे को चला सके, क्योंकि जमीन की और बात होती है दोस्तों। गमले में हमने एक आर्टिफिशियल सा एनवायरनमेंट एक पौधे को दिया होता है ताकि इसमें ग्रो करे, लेकिन दोस्तों उस आर्टिफिशियल के साथ साथ हम जो उसको मिनरल्स जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए एक मट्टी को या पौधे को बड़े होने के लिए तो वो हमारे धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको मिट्टी को जब भी आप गमले में लगाओ प्लांट दो चार दिन पहले, आपका मन देखो प्रिपेयर हो जाता है जब आप नर्सरी में जाते हो तो, है ना, तो दो चार दिन पहले ही आपको गमले को ऐसे तैयार करके रखना चाहिए कि जिससे कि उसमें पौधा लगाने से पहले ही वो मिट्टी तैयार हो जाए। ये नहीं कि लगाने के बाद आप उसमें कुछ कुछ डाल रहे हो फिर वो पहले एक तो बेचारा शौक में पता नहीं कहां से आया वो, उसके वहां दोस्त बने हुए थे, है ना, एक नए एनवायरनमेंट में लेके आए हो, ऊपर से आप इतना सारा सामान डाल के आपने उसको लगा दिया, तो पहले से ही एक सोबर सी मिट्टी तैयार करके रखो, हल्की सी, ज्यादा खाद वाद वाली नहीं, एक बढ़िया सा मीडियम, है ना, जो जो घर में अवेलेबल हो, जैसे आपने पत्ती की खाद बना रखी हो थोड़ी सी वो डाल दो, है ना, और गार्डन में पत्ती सूखी वूखी हो, है ना, उससे अपना गमला भर दो पहले नीचे, है, फिर थोड़ा सा रेत वेत का काम चल रहा हो इधर उधर, कंस्ट्रक्शन साइट हो आसपास होती रहती है ना, सबके आसपास कुछ ना कुछ बन रहा होता है, थोड़ा सा वहां से वो ले लो, एक पोलोथीन वगैरह ले जाके ले आओ, कोई इतना ज्यादा नहीं लगता वो, कोई भी मना नहीं करता तो, और अपनी गार्डन सोइल में उसको मिक्स करो, फिर आप अपना गमला तैयार करो और फिर एक दो दिन उसमें पानी डाल डाल के छोड़ दो ताकि वो सब कुछ सेट हो जाए, मिक्स हो जाए, है ना, फिर जब आप नर्सरी से ला के प्लांट लगाओगे तब देखना आपका प्लांट बहुत अच्छा चलेगा। और दोस्तों कितना भी कोई कह दे आपको ये गर्मी का पौधा है गर्मी का पौधा है, लेकिन फिर भी आपने एहतियात बरतना है कि एकदम से लाते उसको सूरज के सामने नहीं पटक देना। मैं कईयों को देखती हूँ, मैं समर प्लांट है इसको धूप में रख दे अभी मैंने लगाया है और वो बेचारा ऐसा कुमला जाता है, कुछ तो वो पहले ही उदास है ना, ऊपर से सूरज की रोशनी, मतलब हम उसे टाइम भी नहीं देते और पौधों के साथ एग्जिस्ट करने का या उसके फ्रेंड्स बनाने का, है ना, एकदम से लाके उसको सूरज के आगे कर देंगे खड़ा,
तो बेचारा फिर वो मरेगा ही मरेगा। तो ऐसा नहीं करना आपने, कुछ दिन आप ना अपने उसको एक तो ऐसे ला के रखना, अगर देखो आपने गमला भी नहीं बना रखा ना तो भी आप अपने गमले की मिट्टी तैयार कर लो। कई बार ऐसा होता है ना कि हम घूमते फिरते होते हैं और नर्सरी कोई दिग्गी प्लांट ले आए, तो उससे पहले आप उस प्लांट को बड़े या तो किसी पेड़ के नीचे रख दो या आपके बड़े बड़े पोट गमलों में लगे हुए हैं उनके नीचे रख दो, है ना, पानी डाल के दो चार दिन वो अपना सेट सा हो जाए और इतने आप अपने गमले की मिट्टी तैयार कर लो, ठीक है। फिर तीन चार दिन बाद उसको लगाओ और फिर ऐसी जगह पे रखो जहाँ धूप छाया सी रहती हो, मतलब सारे दिन की धूप ना रहती हो, हल्की सी धूप छाया सी, समझ गए होगे आप, है ना। तो इस तरह से आपने पौधे लगाने, फिर देखो आपके चाहे गमले में लगे हों चाहे क्यारी में लगे हों, है ना, अगर आप उनसे प्यार करोगे, उनको वाकई में ऐसा समझोगे कि हमारी तरह से हैं बिल्कुल ये, बस ये कि बेचारे बोल के कुछ मांग नहीं सकते या भाग भाग के दौड़ दौड़ के कुछ कर नहीं सकते, अदरवाइज दोस्तों और जो सारी सेंसेशन होती है ना इसके अलावा वो इनमें होती है, खुश होना, बढ़ना, है ना, प्यार करना। आप उनसे बातें करोगे तो जरूर कोई ना कोई रिस्पॉन्स देंगे, वो थोड़ा सा हिल के दिखाएंगे। तो ऐसे मैं कई बार ना एक्सपेरिमेंट करती हूँ इनके पास बैठ के, आप बताना अगर आप करते हो तो। और दोस्तों चाहे बिल्कुल भी हवा ना चल रही हो लेकिन फिर भी वो हल्की सी मूवमेंट के जरिए ना आपको ऐसे ऐसे शो करेंगे कि हाँ हमें बात समझ में आ गई है। तो मैं ऐसे करती हूँ, प्लीज आप भी एक बार करके देखना जिसने नहीं किया, और जिसने किया है ना वो मुझे कमेंट करके बताना कि वाकई में जो मैं कह रही हूँ सच है ना वो। तो बिल्कुल ये सब दोस्तों छोटे छोटे गमलों में लगे हुए हैं रैक में, और बहुत छोटे छोटे से प्लांटर रखे हुए मैंने इस स्टैंड पे, और देखो सब अच्छे से चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो सोयल की प्रिपरेशन मैंने की थी वो बहुत बढ़िया की थी, और बस और मेरा लगाव है, प्यार है, और टाइम से इनको पानी देना है, और इनके जो रख रखाव का तरीका है दोस्तों वो ऐसा ही है जैसा इनको चाहिए, कि मनी प्लांट को कहाँ रखना है ना, एडीनियम को मैंने कहाँ रखना है, अपनी ग्रास को कहाँ रखना है, तो इन सारी की सारी चीजों को सोच के ही मैंने ये प्लांट रखे हुए हैं। अब देखो एडीनियम को मैंने साइड में रखा हुआ ना, क्यों? क्योंकि अब बरसात का मौसम है, इसमें बरसात का पानी नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो इसका जो दोस्तों कोर्टेक्स होता है वो नीचे गोल गोल सा होता है ना, मोटा मोटा सा, नहीं तो उसको कोर्टेक्स बोलते हैं, वो गल जाता है फिर, क्योंकि उसमें पहले से ही इतना पानी होता है, इतना वो ऐसा पल्पी सा होता है, तो अगर उसमें और ज्यादा पानी डलेगा तो वो गल जाएगा। और दोस्तों गर्मियों में ही मैं इसमें ज्यादा पानी डालती थी, ज्यादा क्या मतलब जब बिल्कुल सूखी मिट्टी हो जाती थी तब, तो गर्मी में तो वैसे ही हो ही जाती है, लेकिन अब मैं इसमें कोई मिट्टी डालती, कोई पानी नहीं डालती, सॉरी, क्योंकि ये जो एयर में जो मॉइस्चर है ना वो इसके लिए बहुत है, और इन सब में डाल देती हूँ, और इनमें तो जैसे तेज बरसात आ जाए तो उसका ही पानी पड़ जाता है, और जब मुझे लगे तो मैं डालती भी रहती हूँ। तो ये देख ही रहे हैं सारे छोटे छोटे से पोट हैं ये, इनमें देखो कितने अच्छे प्लांटर भी रखे हुए हैं, उसमें प्लांट भी लगे हुए हैं। तो बस ये थोड़ी थोड़ी सी सावधानी थी जो मुझे बतानी थी। और भाई किसी प्लांट पे आपने वीडियो देखना है तो पहले एक बार चैनल पे ना वीडियोस में जाके सर्च कर लिया करो, वहां उस प्लांट के बारे में मैंने जरूर बता रखा होगा। और ये देखो कितने प्यारे फूल हैं ये, है ना। बस भैया मैंने बहुत ज्ञान दे दिया, मैं और नहीं दूंगी, है ना, इतनी सावधानी भी बरत लोगे ना तब भी आपके पौधे कहीं नहीं जाने वाले। और बरसात में देखो कैसे चमचम आ रहे हैं ये, है ना, कितनी कितनी शाइनिंग आ गई है इनके ऊपर, और कितने शाइन कर रहे हैं ये, खुश हैं ये बिल्कुल, है ना, क्योंकि इनका जो एक परफेक्ट मौसम होता है ना वो आ गया है ना। तो अब देखो ठंड है इतनी, जो ये बेचारे सुकुड़ सुकुड़ के जाएं, है ना, इनको जितनी धूप चाहिए धूप मिल रही है, बीच बीच में बारिश भी हो जाती है कभी कभी, और एक मॉइस्चर से वाला जो एनवायरमेंट है वो भी इनके इर्द गिर्द है ना इस मौसम में, है ना, थोड़ा सा गीला गीला सा एनवायरमेंट हो ही जाता है, और ये सारे अच्छे चल रहे हैं। और कई बार किसी पेस्ट वेस्ट का अटैक हो जाता है, लेकिन फिर दोस्तों मैं इतना ध्यान नहीं देती, कुछ हमारे जो पेस्ट होते हैं ना वो पौधों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हर पेस्ट ऐसा नहीं होता कि आप उसको मारने पे तुल जाओ कि मेरे को तो गार्डन में पेस्ट दिखाई दे गया जी और इसको तो खत्म करना ही है, नहीं ऐसा नहीं होता यार, कुछ पेस्ट ऐसे होते हैं जो इन पे बेचारों पे डिपेंड है, और अगर वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं हमारे प्लांट्स को तो ऐसी कोई बात नहीं होती। तो बस उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, पौधों से प्यार करो और उनके साथ अपनी फीलिंग शेयर करो, बिल्कुल वो सोचेंगे समझेंगे आपकी बातें, और अगर आपकी कोई विश है वो भी आपकी पूरी करेंगे। तो बस दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसी तरह से पेड़ पौधे लगाएं इस मौसम में, मौसम बढ़िया चल रहा है। तो बस थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट, सुंदर सुंदर प्लांट लगाते रहो और अपने घर को और आसपास के वातावरण को हरा भरा बनाओ, पहले शुरुआत घर से ही करो। तो बस दोस्तों थैंक यू वेरी मच।